अब खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां कांग्रेस नेता करतार सिंह भड़ाना ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जिला बीजेपी कार्यालय में उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि देश की तमाम राष्ट्रवादी ताकतें अब एकजुट हो रही हैं और इसी क्रम में करतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके बीजेपी के 400 पार नारे को बुलंद करने में अपनी आहुति दी है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। के नेतागण सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, इस प्रकार के राम पैदा ही नहीं हुए, ऐसे वक्तव्य देते हैं तो उन सबको घुटन महसूस होती है। जो भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनेगा, उसके संस्कारों पर जिस प्रकार से कुटारघात कर रहे हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में सब राष्ट्रवादी ताकतें इकट्ठा हो रही हैं, उसमें एक कदम करतार सिंह भड़ाना जी ने भी आज भारत को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, हम उनका बहुत बहुत आदमी स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो हैं, जो अनेकों बार देश को खंडित करने का काम कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये मुँह तोड़ जवाब है कि आज समस्त देश के अंदर सबने ही एक संकल्प लिया है कि 140 करोड़ मोदी जी का परिवार है, अब की बार 400 पार के समर्थन में पूरा देश ने वो इशू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से हाथ से छीन कर जनता ने आज उसको अपने हाथ में ले लिया है। देखो फाइनल तो पार्टी जाने, लेकिन मैं पहले भी 18 साल पहले आया था और अब 18 साल के बाद फिर आया हूँ, तो हो सकता है कोई यहाँ का मंगलौर का या हरिद्वार का मैया का कोई मेरे पे कुछ ना कुछ कर्ज है, तो कहते हैं कि कर चुका के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आना पड़ता है, तो हो सकता है इसीलिए मैं आया हूँ।